लेकर विराट जब अपने घर में आया तो देखिए नई नवेली दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। ईसाई का जब गृह प्रवेश हुआ तो उसने कलश को सीधे पैर से गिराया। इस सीन को देखकर आपको जरूर कुछ याद आया होगा। अगर नहीं याद आया होगा तो जरा विराट की बहन का ये डायलॉग सुन लीजिए। जब पतलेखा घर में आई थी तो उल्टी पैर आई थी, इसलिए उसको पति का आरोप हो गया। लेकिन सही आई है तो सीधे पैर आई है, मतलब वो वीरू और चव्हाण परिवार का अच्छे से ध्यान रखेगी, है ना? सही है, मतलब सही है। ये ताना सुनने मिला है पाखी को। अब ये तो हमेशा ही बरकरार रहने वाली है, बिकॉज दोनों एक ही घर की बहू है। ये छोटी बहू है, मैं बड़ी बहू हूँ, तो हाँ हम एक ही घर में रहने वाले हैं। खुशी क्यों नहीं रहेगी? खुशी तो घर में बरकरार रहेगी, इनफैक्ट अब डबल ट्रिपल हो जाएगी। बहुत डबल ट्रिपल, वो बिहाइंड द सीन होगी शो का तो पता नहीं। ड्रामा अभी बहुत आने वाला है, बिकॉज विराट शादी करके आ गया है घर में और अभी सबको पता चला है, सो ड्रामा तो होने वाला है। जब पाखी का गृह प्रवेश हुआ था उस समय अपशगुन हुआ था, लेकिन आज सई ने सही तरीके से घर में प्रवेश किया। तो क्या विराट और सई का रिश्ता सही रहेगा? इसके लिए आपको आगे के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे कि सीधे कदम और उल्टे कदमों का क्या असर होता है। बाकी सही है तो सही होगा इनके बीच सब कुछ ठीक रहेगा? अब ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि विराट के दिल में कौन है ये हम जानते हैं। और वही दूसरी ओर सई के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। यूं हुई अचानक वाली शादी को लेकर घर में सब नाराज भी हैं। अब देखना होगा कि विराट किसकी किसकी नाराजगी दूर करता है, पाखी की, काकू की या फिर सई की। विराट के कंधों पर सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।